हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे आर्मी ऑफ द डेड मूवी की। यह एक हॉरर जॉम्बी मूवी है। वेल, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए अब आर्मी ऑफ द डेड मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में यूएस आर्मी के कुछ सोल्जर्स दिखाए गए। वो सब यूएस के रेस्ट्रिक्टेड एरिया 51 से एक पेलोड कंटेनर ले जा रहे थे। वेल, एक टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी। सोल्जर भी नहीं जानते थे कि उस कंटेनर में क्या है। उन्हें बस यही ऑर्डर मिला था कि इस पेलोड कंटेनर को बताई गई जगह पर सेफली ट्रांसफर कर लिया जाए। अब सोल्जर्स कंटेनर को लेकर डेस्टिनेशन लोकेशन की ओर आगे बढ़ रहे थे। वही दूसरी ओर दिखाया गया कि सामने एक कार आ रही थी जिसकी ब्रेक डाउन थी। कार भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। आखिर वो कार फुल स्पीड में कंटेनर ले जा रही ट्रक से टकराती है, जिससे वहां पर बड़ा धमाका होता है। वो कंटेनर भी ट्रक से उछलकर नीचे गिरता है। अब यहां एक सोल्जर किसी को इन्फॉर्म करता है कि एक एक्सीडेंट होने की वजह से अभी हम आगे नहीं जा पाएंगे। वही वो कंटेनर भी नीचे गिर गया और शायद उसका लॉक भी ओपन है। यह सुनकर सामने वाला शख्स उस सोल्जर से कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो और अभी अपने सभी बाकी सोल्जर लेकर वहां से चले जाओ और भूल कर भी कंटेनर के करीब मत जाना। पर तब तक बाकी सोल्जर उस पेलोड कंटेनर के पास पहुंच गए थे। वेल, उस कंटेनर से एक खतरनाक सुपर ह्यूमन जॉम्बी बाहर आकर सोल्जर पर हमला करता है। बाकी सोल्जर उस जॉम्बी पर गोलियां चलाते हैं, पर उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। यहां वो जॉम्बी यूएस आर्मी के सभी सोल्जर को बेरहमी से मार देता है। अपने बाकी साथियों का यह हाल देखकर दो सोल्जर वहां से अपनी जान बचाकर भागते है। दोनों भागते हुए वहां से थोड़ा दूर आ गए थे और वो जॉम्बी भी उन्हें नहीं दिखाई दे रहा था। दोनों को यही लग रहा था कि अब वो लोग सेफ है। पर उसी वक्त वो जॉम्बी एक सोल्जर पर अटैक करता है। वो जॉम्बी सोल्जर के पूरे चेहरे को नोच डालता है। वही दूसरे सोल्जर पर भी वो हमला करता है। जॉम्बी उस दूसरे सोल्जर को भी गले पर काट लेता है। वेल, सिर्फ थोड़ी ही देर में वो दोनों सोल्जर भी एक खतरनाक जॉम्बी बन गए थे। उस सुपर ह्यूमन जॉम्बी ने दोनों को इन्फेक्टेड कर दिया था। तीनों जॉम्बी एक जगह पर खड़े थे और सामने ही लास वेगास शहर था। वेल, यह था आर्मी ऑफ द डेड मूवी का इंट्रो सीन। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि तीनों जॉम्बी लास वेगास शहर में आ गए थे और उन्होंने वहां खतरनाक आउटब्रेक की शुरुआत कर ली थी। जॉम्बी बाइट के बाद इन्फेक्शन जल्दी फैलता था और इसी वजह से पूरे लास वेगास शहर में हर जगह जॉम्बी फैलने लगे थे। देखते ही देखते इस आउटब्रेक ने पूरे लास वेगास शहर को इन्फेक्टेड कर लिया था। पूरा शहर खतरनाक जॉम्बी से भर चुका था। शहर में अब एक भी लिविंग पर्सन नहीं बचा था। अब यहां सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। वही जॉम्बी इन्फेक्शन लास वेगास से बाहर भी फैल सकता था। इस सिचुएशन को देखकर पूरे लास वेगास शहर के एरिया को बड़े कंटेनर रखकर पूरे शहर को कंप्लीट यूएस गवर्नमेंट सील करवा देती है। पूरा शहर अब क्वारंटाइन जोन बन चुका था। यहां से अब कोई अंदर नहीं जा सकता था। वही शहर से कोई जॉम्बी भी बाहर नहीं आ सकता था। अब नेक्स्ट सीन में स्कॉट नाम के बंदे को दिखाया गया है, जो एक फॉर्मर मशीनरी था। स्कॉट और उसकी टीम ने इन्फेक्टेड वेगास शहर से अपनी जान दांव पर लगाकर कई लोगों की जान बचाई थी। अभी स्कॉट एक बर्गर रेस्टोरेंट चला रहा था। वेल, टीवी पर भी यह न्यूज दिखाई जा रही थी कि अब वेगास शहर के इन्फेक्टेड लोगों को बचाया नहीं जा सकता। वही पूरा एरिया कंप्लीट सील कर दिया गया था, पर गवर्नमेंट कोई रिस्क लेना नहीं चाहती थी। अब ठीक चार दिन बाद 4 जुलाई थी, जो कि अमेरिका का स्वतंत्र दिन था। गवर्नमेंट उसी दिन न्यूक्लियर मिसाइल के अटैक से पूरे लास वेगास शहर को डिस्ट्रॉय करने वाली थी। स्कॉट भी यह न्यूज देख रहा था। उसी वक्त वहां पर मिस्टर तनाका अपने एसोसिएट मार्टिन के साथ आते। तनाका स्कॉट से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ। लास वेगास कैसिनो के बेसमेंट वॉल्ट में करीब $200 मिलियन है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। गवर्नमेंट भी चार दिन बाद वो पूरी जगह डिस्ट्रॉय कर देगी। तनाका स्कॉट से कहता है कि मैंने आपके बारे में काफी सुना है और मुझे पूरा यकीन है कि आप और आपकी टीम ही उस वॉल्ट तक पहुंचकर 200 मिलियन ले पाएगी। इस मिशन के लिए जरूरी सभी चीजें हथियार मैं आपको दूंगा। वही आपकी टीम को भी मैं उस क्वारंटाइन जोन में पहुंचा दूंगा। अगर मिशन कामयाब रहा तो मैं आपको $50 मिलियन दूंगा। मार्टिन स्कॉट को उस जगह की ब्लूप्रिंट देता है। तनाका भी स्कॉट से कहता है कि यह एक बढ़िया डील है, तो मुझे सोचकर बताना।
अब नेक्स्ट सीन में लास वेगास के क्वारंटाइन जोन के बाहर क्वारंटाइन रेफ्यूजी कैंप को दिखाया गया। यहाँ बचे हुए लोगों को कैंप पे रखा गया था। यह स्कॉट की बेटी कैट भी थी। कैट वहाँ गीता नाम की लड़की से बात कर रही थी। गीता सिंगल मदर थी, उसके दो बच्चे थे और उसका हस्बैंड वेगास में जॉम्बी अटैक में मर चुका था। गीता कैट से कहती है कि दो दिन बाद हमें यहाँ से दूर कर देंगे, मुझे मेरे बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचना होगा। गीता कैट से कहती है कि कैंप की सिक्योरिटी टीम मेंबर कायोटी नाम की लड़की मेरी हेल्प करेगी, जिससे मैं वेगास शहर में जा पाऊंगी और वहाँ कैसिनो से पैसे लेकर जल्द ही वापस आ जाऊंगी, जिससे आगे की लाइफ हम शांति से बिता सके। पर कैट गीता से कहती है कि यह एक पागलपन है, वहाँ से वापस आने की कोई गारंटी नहीं है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे बच्चे कहाँ जाएंगे। पर शायद गीता ने अपना मन बना लिया था। यहाँ क्वारंटाइन कैंप में बर्ट नाम का बंदा भी था, वो भी सिक्योरिटी टीम में था। पर बर्ट कैंप में लड़कियों के साथ खराब तरीके से पेश आता था, वो उन्हें एब्यूज करता था। इसी वजह से कैंप में और उसकी सिक्योरिटी टीम के सब लोग बर्ट से नफरत करते थे। वही स्कॉट अपने पास्ट को याद करके रो रहा था, वो भी वेगास में रहता था और इस जॉम्बी आउटब्रेक की वजह से उसकी वाइफ एना भी जॉम्बी बन चुकी थी। यहाँ एना अपनी बेटी कैट को मारना चाहती थी, तो ना चाहते हुए भी स्कॉट एक खंजर अपनी वाइफ एना के सिर में घुसा देता है। वही यह सब कैट भी मजबूर होकर देख रही थी। कैट अपने डेड स्कॉट से नाराज थी क्योंकि वेगास में दूसरे लोगों की जान बचाने में वो इतना मशगूल हो गया कि वो कैट की मॉम एना को भी नहीं बचा पाया, और इसी वजह से कैट स्कॉट से नफरत करती थी। इसी नफरत की वजह से कैट अपने डेड स्कॉट की जगह उस बेज कैंप में रहती थी। आखिर स्कॉट उस खतरनाक मिशन के लिए रेडी हो जाता है। वो मिस्टर तनाका से कहता है कि मुझे आपकी डील मंजूर है। तनाका भी स्कॉट से कहता है कि तुम अपनी टीम में एक अच्छा हेलीकॉप्टर पायलट ले लेना और पूरी टीम कल रेडी रखना, मैं कल तुम्हें मिलूंगा। वेल यहाँ दिखाया गया है कि मिस्टर तनाका और मार्टिन के साथ यूएस ऑफिसर भी थे। डेट मीन्स यह मिशन सिर्फ पैसों के बारे में नहीं था, उन्हें किसी खास चीज की तलाश थी। स्कॉट की टीम में फॉर्मल टीम मेंबर मारिया भी थी। वही जैक नाम का बहादुर बंदा था जो किसी भी सिचुएशन को इजीली हैंडल कर सकता था। टीम में मल्लिन नाम की एक लड़की भी थी जो कि एक बेहतरीन हेलीकॉप्टर पायलट थी। वही मिकी नाम का एक शार्प शूटर भी था जो गैल तरीके से वेगास जाकर उन जॉम्बीज का शिकार करता था। यहाँ मिकी की एक यूट्यूब चैनल भी थी जिस पर वो जॉम्बी को मारने का वीडियो भी अपलोड करता था। मेरे हिसाब से मिकी की चैनल पर जरूर स्ट्राइक आई होगी। मिकी अपने साथ अपनी एसोसिएट चैम्बल नाम की लड़की को लाया था। मिकी और चैम्बर भी परफेक्ट जोड़ी थे। इसके बाद स्कॉट और मारिया ने टीम में एलेक्स नाम के बंदे को भी शामिल किया था जो दुनिया के किसी भी सेफ लॉकर को इजीली ओपन कर सकता था। आखिर स्कॉट की टीम तैयार थी और वो अपनी टीम लेकर मिस्टर तनाका की बताई लोकेशन पर आ गया था। तनाका उन्हें कहता है कि वेगास में एक ऊंची बिल्डिंग है जिसका नाम वेगास फ्लाई है। यहाँ छत पर ऑलरेडी एक हेलीकॉप्टर है। मिशन पूरा होते ही तुम सब हेलीकॉप्टर में वहां से निकल जाना, पर अभी तुम सब हेलीकॉप्टर से वहां पर नहीं जा सकते, तो तुम सबको पैदल ही यह सफल तय करना होगा। तुम सबके पास जरूरी सभी हथियार होंगे जिससे रास्ते में आने वाले जॉम्बी तुम इजीली मार सको। स्कॉट भी अपने टीम मेंबर से कहता है कि जॉम्बी के सिर में गोली चलाना जिससे वो ऑन द स्पॉट खत्म हो जाएगा। कैसिनो तक हम 2 आवर्स में पहुंच जाएंगे। कैसिनो के वॉल्ट तक पहुंचने के बाद एलेक्स वॉल्ट के लॉक को जब तक ओपन करे तब तक हम उसे प्रोटेक्ट करेंगे। वही हमारी पायलट मल्लिन तब तक वेगास फ्लाई बिल्डिंग पर हेलीकॉप्टर में फ्यूल डालकर सब सेट करके रखेगी और वॉल्ट ओपन होते ही हम $200 मिलियन लेकर वहां से वेगास फ्लाई बिल्डिंग पर पहुंच जाएंगे और यहां से आसानी से हेलीकॉप्टर के जरिए हम सब बाहर आ जाएंगे। वेल इसमें खतरा तो था पर सामने उम्मीद से ज्यादा पैसा था। वेल यहाँ मिस्टर तनाका अपने एसोसिएट मार्टिन को भी इस मिशन में भेजने वाले थे जिससे वो भी सब लोगों पर नजर रख सके। दूसरी ओर क्वारंटाइन कैंप में गीता दो लड़कियां अपने साथ लेकर सिक्योरिटी मेंबर कायोटी से मिलने आती है। गीता कायोटी से रिक्वेस्ट करती है कि उन्हें क्वारंटाइन जोन में जाने दे, वो तीनों जल्द ही वापस आ जाएगी। वही दूसरी ओर स्कॉट अपनी टीम लेकर क्वारंटाइन कैंप तक आ गया था। स्कॉट इस मिशन के लिए इसलिए रेडी हुआ था क्योंकि वो इन पैसों से वो अपनी बेटी कैट की लाइफ और बेहतर बना सके। वही कैंप पर कैट को पता चलता है कि गीता दो लड़कियों के साथ वेगास के क्वारंटाइन जोन में चली गई थी। इस बात से कैट वरीड हो जाती है। वैसे कैट अपने डैड स्कॉट से नफरत करती थी, पर जब उसे पता चलता है कि उसके डैड पूरी टीम लेकर वेगास में जाने वाले है तो वो स्कॉट के पास आती है।
कैच कोच से कहते हैं कि मुझे भी आप अपने साथ अंदर ले जाए, मेरी फ्रेंड गीता वहाँ पर है, जैसे ही वो मिल जाएगी हम सब वापस आ जाएंगे, वो भी शायद वेगास के कैसिनो में है। वेल यहाँ खतरा ज्यादा था तो स्कॉट कैट को साथ ले जाने से मना कर देता है, पर कैच कोच से कहती है कि अगर आप मुझे साथ नहीं ले गए तो मैं वहाँ पर अकेली जाऊंगी और उस वक्त जरूर कोई जॉम्बी मुझे मार देगा, तो अच्छा यही रहेगा कि मैं आपके साथ आऊँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपकी हर बात मानूंगी। अब ना चाहते हुए भी स्कॉट कैट को अपने साथ ले जाने के लिए रेडी हो जाता है। यहाँ कायोटी भी उसके साथ जाने वाली थी क्योंकि वो वेगास की हर लोकेशन के बारे में जानती थी। यहाँ कायोटी सिक्योरिटी टीम के मेंबर बर्ट को भी अपने साथ ले जाना चाहती थी। कायोटी बर्ट को इसके लिए $20,000 ऑफर करती है जिससे बर्ट भी उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। आखिर वो सब क्वारंटाइन कैंप से एक बड़े कंटेनर के रास्ते वेगा शहर में आ चुके थे। यह पूरी जगह सुनसान थी, हर जगह हड्डियों के ढेर लगे थे, दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा था। वो सब आगे बढ़ रहे थे तभी उन्हें किसी जानवर की आवाज सुनाई देती है। यहाँ सब लोग सेफ जगह पर छिप जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पर एक बड़ा जॉम्बी टाइगर था, डेट मींस यह इंफेक्शन जानवरों पर भी असर करता था। शायद यह वेगास एनिमल जू का टाइगर होगा जो इंफेक्टेड हो गया होगा। थोड़ी देर बाद वो टाइगर वहाँ से चला जाता है। जॉम्बी टाइगर के वहाँ से जाने के बाद कायोटी बर्ट के पास आती है और उसके पैर पर गोली चलाकर उसे घायल कर देती है। यह देखकर सब लोग चौंक जाते हैं, पर कायोटी कहती है कि मेरा यकीन करो, यह करना जरूरी था। कायोटी सबसे कहती है कि यहाँ दो तरह के जॉम्बी है, एक जो बस हमारा मांस खाना चाहते, वही दूसरे जॉम्बी स्मार्ट है, वो बिल्कुल हमारी तरह सोच सकते, दे आर स्मार्टर एंड दे आर फास्टर। कायोटी कहती है कि लास वेगास हमारे लिए बस एक जॉम्बी शहर है, पर उन स्मार्ट जॉम्बी के लिए यह उनकी किंगडम है। और रही बात बर्ड की, तो एक घटिया इंसान है, उसने कैंप पर कई लड़कियों का फायदा उठाया है और सब लोग उससे नफरत करते हैं, तो अच्छा यही रहेगा कि जॉम्बी उसका शिकार करे, जिससे हमें भी थोड़ा वक्त मिल जाएगा और हम सब वेगास कैसिनो तक पहुंच जाएंगे। अब यहां उन्हें एक स्मार्ट जॉम्बी की आवाज सुनाई देती है। कायोटी सबसे कहती है कि सब लोग छिप जाओ क्योंकि वो यहां पर आने वाली है। अब वो सब बर्ड को छोड़कर वहां से चले जाते और थोड़ी देर बाद वहां पर एक स्मार्ट जॉम्बी आती है। उसका चेहरा डरावना लग रहा था और उसकी आंखें भी लाल थी। दरअसल वो जॉम्बी क्वीन थी और क्वीन के साथ उसका एक जॉम्बी बॉडीगार्ड भी था। क्वीन बर्ड के पास आकर उसे सूंघने लगती है। वही क्वीन जानती थी कि यहां बर्ड के अलावा और लोग भी है। वेल यहां क्वीन का बॉडीगार्ड बर्ड को खींच कर वहां से ले जाता है। क्वीन भी वहां से थोड़ी देर बाद चली जाती है। दूरबीन से देखती है कि वो स्मार्ट जॉम्बी बर्ड को ओलंपस नाम की बिल्डिंग में ले गए थे, यानी कि गीता और बाकी दो लड़कियां भी शायद उसी बिल्डिंग में होगी। कैट वहां जाकर गीता को बचाना चाहती थी, पर स्कॉट उसे कहता है कि वो जॉम्बी हाइव है, वहां जाना इम्पॉसिबल है और शायद गीता भी अब तक मर चुकी होगी, तो अच्छा यही रहेगा कि हम अपने मिशन पर फोकस रखें। अगर उस दौरान गीता मिल गई तो हम उसे जरूर बचा लेंगे। कायोटी भी सबको कहती है कि हम सब कैसिनो में एक सेफ रास्ते से जाएंगे जिससे किसी जॉम्बी से हमारा सामना ना हो। वेल यहाँ दिखाया गया है कि जॉम्बी किंग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से सब लोगों को देख रहा था, यानी कि यहाँ पर कोई सेफ नहीं था। दूसरे और जॉम्बी बर्ट को लेकर ओलंपस बिल्डिंग में आ गया था। यहाँ सभी जॉम्बी ने बर्ट को घेर लिया था, पर कोई भी बर्ट पर हमला नहीं करता क्योंकि वो सब जॉम्बी किंग का आने का इंतजार कर रहे थे। वेल यहाँ उस खतरनाक स्मार्ट जॉम्बी किंग को दिखाया गया। वो जॉम्बी क्वीन प्रेग्नेंट थी, यानी कि यह स्मार्ट जॉम्बी भी इंसानों की तरह जी रहे थे, वो भी यहाँ अपनी अलग दुनिया बसाना चाहते थे। जॉम्बी किंग वहां पर बर्ट को काट लेता है और अपनी जॉम्बी सेना को बर्ट का शिकार करने के लिए कहता है। वेल यहां सभी जॉम्बी मिलकर बर्ट की बॉडी का मांस खाने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर स्कॉट अपनी टीम लेकर कायोटी के बताए रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। यहाँ सभी के पास हेलीकॉप्टर फ्यूल के टीम थे, वही जरूरी हथियार भी उनके पास थे। यहाँ सब लोग एक खुफिया रास्ते से आगे बढ़ रहे थे। आखिर में चैम्बल थी, वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। स्कॉट और बाकी सब आगे निकल गए थे, पर चैम्बल वहां फंस चुकी थी क्योंकि अचानक ही जॉम्बी उस पर हमला करते। चैम्बल भी जॉम्बी से मुकाबला करती है, पर वो ज्यादा थे और चैम्बल अकेली उनसे मुकाबला नहीं कर सकती। चैम्बल उन जॉम्बीज पर गोलियां चलाने लगती है। बाकी टीम मेंबर को भी वो आवाज सुनाई देती है, तो स्कॉट मार्टिन को वहां पर भेजता है। वही यहां पर भी सब जॉम्बी आ गए थे, तो स्कॉट और बाकी सब जॉम्बी से मुकाबला करते। दूसरी ओर चैम्बल भी बहादुरी से सभी जॉम्बी से मुकाबला करके उनसे बचते हुए दरवाजे तक पहुंच गई थी, पर वो बाहर निकल सके उससे पहले मार्टिन दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। चैम्बल भी मार्टिन से कहती है कि प्लीज दरवाजा खोल दो, पर मार्टिन चैम्बल को मरने के लिए छोड़कर वहां से चला जाता है।
मिकी भी मार्टिन से पूछता है कि चैम्बर कहाँ पर है, पर मार्टिन उसे कहता है कि मैंने चैम्बर को बचाने की कोशिश की पर जॉम्बी ने उसे घेर लिया था। वेल उसी वक्त चैम्बर भी खिड़की तोड़कर वहाँ से बाहर आ जाती है, पर उसके चारों ओर जॉम्बी थे, अब उसे बचा पाना नामुमकिन था। फिर भी चैम्बर बहादुरी से वहाँ पर मुकाबला कर रही थी। आखिर में यहाँ जॉम्बी चैम्बर को पकड़ लेते और उसकी बॉडी को नोचने लगते। बेचारा मिकी भी मजबूर होकर यह सब देख रहा था। चैम्बर भी मिकी से कहते है कि तुम मुझे खत्म कर दो। आखिर यहाँ ना चाहते हुए भी मिकी गोली चैम्बर के पास रखी हुई फ्यूल टिन पर चलाता है, जिससे यहाँ पर बड़ा धमाका होता है, जिसमें चैम्बर के साथ वहाँ मौजूद सभी जॉम्बी के चिथड़े उड़ जाते हैं। चैम्बर की मौत से मिकी अपसेट था। यह कैट भी कायोटी से कहते है कि शायद गीता भी अब तक मर चुकी होगी क्योंकि वो जॉम्बी से मुकाबला नहीं कर सकती, पर कायोटी कैट से कहते है कि शायद गीता और बाकी दो लड़कियां ओलंपस बिल्डिंग में होगी। वो जॉम्बी किंग औरतों को नहीं मारता, किसी खास मकसद के लिए वो उन्हें बंदी बनाकर जिंदा रखता है। कायोटी भी कैट से कहते है कि हम उन्हें भी बचाने की कोशिश जरूर करेंगे। अब यहाँ वो सब मेन लोकेशन तक पहुँच गए थे। वही मर्लिन भी वेगा स्काई बिल्डिंग पर आ गई थी। बाकी टीम मेंबर ने हेलीकॉप्टर फ्यूल भी वहाँ पर पहुँचा दिया था, पर मर्लिन उस हेलीकॉप्टर को देखकर हैरान थी क्योंकि हेलीकॉप्टर की कंडीशन बहुत खराब थी। दूसरी ओर स्कॉट सबको अपना काम बता रहा था। स्कॉट कहता है कि जैक और मिकी एलेक्स के साथ वॉल्ट लॉकर तक जाएंगे और जब तक एलेक्स लॉक ओपन ना कर ले तब तक वो वही रुकेंगे, वही हम सब यहाँ जॉम्बी पर नजर रखेंगे। पर यहाँ मार्टिन स्कॉट से कहता है कि मैं और कायोटी बिल्डिंग के बाहर नजर रखेंगे और जैसे ही कोई हलचल होगी हम सबको इन्फॉर्म कर देंगे। मार्टिन एलेक्स को एक एक्सेस कार्ड देता है जिससे बिल्डिंग के सभी लॉक दरवाजे ओपन किए जा सकते थे, वही एलिवेटर भी इस्तेमाल कर सकते थे। अब कायोटी और मार्टिन बिल्डिंग से बाहर आ चुके थे, वही एलेक्स मिकी और जैक एलिवेटर से वॉल्ट वाले रूम में आ गए थे। यहाँ पर कुछ जॉम्बी थे पर वो सब मिलकर उन्हें आसानी से खत्म कर देते। एक्सेस कार्ड यूज करके वो तीनों वॉल्ट के करीब आ गए थे। वो पैसों से भरा वॉल्ट ठीक उनके सामने था, पर जैक देखता है कि यहाँ पर कुछ स्कल पड़े हुए थे और यह स्कल उन लोगों के थे जो यहाँ पर वॉल्ट का पैसा चुराने आए थे। वही ताज्जुब की बात यह थी कि उन्हें किसी जॉम्बी ने नहीं मारा था। यह देखकर जैक समझ गया था कि जरूर यहाँ पर किसी तरह का खास ट्रैप बनाया गया है जिसमें फंस कर यह सब मारे गए होंगे। दूसरी ओर बाहर मार्टिन को क्वीन जॉम्बी की आवाज सुनाई देती है, वो भी अपने बॉडीगार्ड के साथ वहाँ पर आ चुकी थी, पर मार्टिन जॉम्बी क्वीन पर निशाना लगाता है जिससे क्वीन एक ट्रैप में फंस जाती है। क्वीन एक मजबूत तार के बीच फंस गई थी। यहाँ क्वीन का बॉडीगार्ड भी क्वीन को छुड़ाने के लिए मार्टिन पर हमला करता है। यहाँ वो स्मार्ट जॉम्बी मार्टिन को काटने ही जा रहा था, पर तभी राइट टाइम पर कायोटी उस जॉम्बी के सिर पर गोली चलाकर उसे खत्म कर देती है। अब मार्टिन सीधा जॉम्बी क्वीन के पास आता है और एक नुकीली दालदार तार से क्वीन का गला काटने लगता है। क्वीन जॉम्बी की आवाज जॉम्बी किंग भी सुन रहा था, पर आखिर में मार्टिन क्वीन का सिर दर्द से अलग कर देता है। अब मार्टिन यहाँ आने का मेन रीजन कायोटी को बताता है। मार्टिन कायोटी से कहता है कि हमें किंग जॉम्बी या फिर क्वीन जॉम्बी का बस सील चाहिए था। सील काटने के बाद भी यह स्मार्ट जॉम्बी जिंदा रहते और इसके जरिए हम जॉम्बी की पूरी आर्मी को कंट्रोल कर सकते। अब मार्टिन क्वीन जॉम्बी का कटा सिर एक बैग में रखकर वो बैग अपने साथ ले लेता है। यह देखकर कायोटी मार्टिन से कहते है कि जब किंग जॉम्बी यहाँ आकर क्वीन का यह हाल देखेगा तो वो हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। दूसरी ओर जैक वॉल्ट के करीब बिछाए गए ट्रैप को चेक करने के लिए एक जॉम्बी को वहां पर लेकर आता है। जैक एक कटा हुआ हाथ वॉल्ट के करीब फेंकता है और वो जॉम्बी भी वॉल्ट के करीब उस कटे हाथ की ओर आगे बढ़ता है। फर्स्ट स्टेप में जॉम्बी के सिर में बहुत सारे जहरीले डार्ट आकर घुस जाते, पर वो जॉम्बी था तो उस पर डार्ट का कोई असर नहीं होता। दूसरे ट्रैप में जॉम्बी पर अचानक गोलियां चलने लगती है जो उसकी बॉडी को छलनी कर देती है, पर वो जॉम्बी अब भी आगे बढ़ रहा था। और यहाँ से आखिरी ट्रैप में बेचारा जॉम्बी दो दीवारों के बीच पीसकर मारा जाता है, उसकी पूरी बॉडी का कचुंबर हो गया था। आखिर जैक मिकी और एलेक्स वॉल्ट के लॉकर तक पहुंच गए थे। अब एलेक्स को अपनी स्किल से किसी तरह यह लॉकर ओपन करना था। वही स्कॉट और उसकी टीम के पास ज्यादा वक्त भी नहीं था क्योंकि लास वेगास में न्यूक्लियर अटैक का वक्त करीब आ रहा था। दूसरी ओर मर्लिन भी उस हेलीकॉप्टर को ठीक कर रही थी जिससे वो सब यहाँ से बाहर निकल सके। वही किंग जॉम्बी भी क्वीन जॉम्बी की डेड बॉडी के पास आ गया था। क्वीन का यह हाल देखकर वो अपसेट था क्योंकि क्वीन के साथ उसका बच्चा भी मर चुका था। दूसरी ओर एलेक्स ने लॉकर ओपन कर लिया था, यहाँ पूरा खजाना था, उनके पास कैश काउंट मशीन भी था। कायोटी वो मशीन उठा लेती है। आखिर सब लोग वॉल्ट में आते।
वेल यहाँ पर कंप्लीट 200 मिलियन डॉलर थे, वो सब मालामाल हो गए थे। सब लोग काफी खुश थे क्योंकि उनका मिशन कामयाब हुआ था। अब बस वो कैश लेकर उन्हें यहाँ से निकलना था, या वो सब थोड़ा बहुत पैसा अपने पास रखते। वॉल से सारा पैसा जैक और मिकी बैग में रख रहे थे। वही दूसरे और जॉम्बी किंग को दिखाया गया है, जो क्वीन की मौत से काफी गुस्से में था। किंग घोड़े पर सवार होकर ओलंपस बिल्डिंग से बाहर आता है। यहाँ किंग के पीछे उसकी पूरी जॉम्बी आर्मी भी थी, वो सब क्वीन की मौत का बदला लेना चाहते थे। किंग ने अपनी सेना को ऑर्डर दे दिया था कि यहाँ पर सभी लोगों को खत्म कर दो, और वो सभी जॉम्बी वेगास कैसिनो की ओर आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पर कैट को भी दिखाया गया है, जो ऑलरेडी कैसिनो से बाहर आ चुकी थी। दरअसल वो अब भी गीता को बचाना चाहती थी, और उसे यकीन था कि गीता अब भी जिंदा होगी, तो वो ओलंपस बिल्डिंग की ओर आगे बढ़ती है। दूसरी ओर जॉम्बी का पूरा झुंड कैसिनो में एंटर हो चुका था। वही स्कॉट को भी पता चल गया था कि कैट यहाँ से ओलंपस बिल्डिंग की ओर गई है, तो वो भी वहाँ पर जाना चाहता था। यहाँ मारिया भी स्कॉट से कहती है कि कैट को बचाने हम दोनों वहाँ पर साथ जाएंगे। अब यहाँ से ग्राउंड फ्लोर पर जाने के लिए जैसे ही मारिया एलिवेटर का दरवाजा ओपन करती है, तो वहाँ पर वो जॉम्बी आ चुके थे और वो मारिया पर अचानक हमला करते है। यहाँ जॉम्बी ने मारिया की गर्दन मरोड़ दी थी, जिससे मारिया वहीं पर मारी जाती है। स्कॉट भी उन जॉम्बी पर गोलियां चलाने लगता है। स्कॉट ने यहाँ एलिवेटर से सभी जॉम्बी मार डाले थे, पर अब भी वो सेफ नहीं थे। आखिर यहाँ बाकी बचे लोग वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। सब लोग एक दूसरे रास्ते से बाहर निकलने वाले थे। वही एलेक्स और जैक भी कैश लेकर लॉकर से बाहर आ रहे थे, पर उसी वक्त कुछ जॉम्बी उनकी ओर आगे बढ़ने लगते। अब यहाँ से वो दोनों बाहर नहीं जा सकते थे। वही मार्टिन भी दूसरे रास्ते से बाहर आ गया था, पर वो बाहर आकर दरवाजा लॉक कर देता है। वो कायोटी से कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरे पास क्वीन का सिर है, जिससे मैं यहाँ से बड़ी आसानी से बाहर निकल जाऊंगा, और तब तक वो जॉम्बी तुम लोगों का शिकार करेंगे। वेल कैसिनो में किंग जॉम्बी भी आ गया था, और वो भी जैक और एलेक्स की ओर आगे बढ़ रहा था। किंग ने अपने चेहरे पर एक आयरन मास्क पहना था, जिससे कोई गोली उसके सिर में नहीं लग सकती थी। यह जैक और एलेक्स किंग पर गोलियां चला रहे थे, पर गोलियां उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यह जैक एलेक्स को उस लॉकर में जाकर दरवाजा बंद करने के लिए कहता है। जैक वहां किंग जॉम्बी से मुकाबला करता है, पर किंग के सामने टिक पाना मुश्किल था। यह किंग जैक की जबरदस्त धुलाई करता है। अब यहाँ किंग जैक को भी इन्फेक्टेड करने वाला था, पर तभी एलेक्स लॉकर से बाहर आकर किंग पर हमला करता है, जिससे किंग जैक को छोड़ देता है। एलेक्स भी जैक को लॉकर में ला देता है, पर वो भी लॉकर में वापस आ सके उससे पहले वो जॉम्बी एलेक्स को पकड़ लेते हैं। यहाँ जैक को बचाते हुए एलेक्स मारा जाता है। दूसरी ओर जॉम्बी कायोटी स्कॉट और मिकी की ओर आगे बढ़ रहे थे। कायोटी कटर मशीन से दरवाजे का लॉक काट रही थी। वही मिकी और स्कॉट नीचे जॉम्बी से मुकाबला कर रहे थे। वही मार्टिन भी आ चुका था, और वो अपनी सेफ्टी के लिए जॉम्बी क्वीन का सिर बाहर निकालने के लिए अपनी बैग ओपन करता है, पर बैग में क्वीन का सिर नहीं था, उसकी जगह कैश काउंट मशीन था। कायोटी मार्टिन का इरादा समझ गई थी, तो मौका देखकर उसने बैग में क्वीन के सिर की जगह वो मशीन रख दिया था। अब उसी वक्त मार्टिन के पास वो जॉम्बी टाइगर आता है, यानी कि अब मार्टिन बुरी तरह फंस चुका था। वो टाइगर मार्टिन पर हमला करता है। मार्टिन भी वहां बचने की कोशिश करता है, पर अब वो कुछ नहीं कर सकता था। उस जॉम्बी टाइगर ने अपने नुकीले पंजों से मार्टिन का पूरा चेहरा नोच डाला था, और मार्टिन का काफी खून भी बह चुका था। आखिर यहाँ वो टाइगर मार्टिन के पूरे चेहरे को अपने मुंह से मसल देता है, और यहाँ पर मार्टिन का खेल खत्म हो चुका था। वही दूसरी ओर स्कॉट, मिकी और कायोटी भी उसी दरवाजे से बाहर कैसिनो में आ गए थे, पर यहाँ भी हर जगह वो जॉम्बी थे। तीनों यहाँ उन जॉम्बी से मुकाबला करते हैं, पर उन्हें रोक पाना मुश्किल था। स्कॉट उन पर गोलियां चला रहा था, पर जॉम्बी मिकी को पकड़ लेते और वो मिकी को काट लेते, यानी कि वो भी जल्द ही इन्फेक्टेड हो जाएगा। मिकी इशारे से स्कॉट और कायोटी को वहां से चले जाने के लिए कहता है, और वो एक हैंड ग्रेनेड की पिन निकाल देता है। सभी जॉम्बी मिकी के करीब थे। उसी वक्त वहां पर बड़ा धमाका होता है, जिससे मिकी के साथ वो जॉम्बी भी मारे जाते। आखिर स्कॉट और कायोटी वेगास फ्लाई बिल्डिंग पर आ जाते। मलिन अब भी वो हेलीकॉप्टर ठीक कर रही थी, पर उसी वक्त वहां पर किंग जॉम्बी आ जाता है, पर वो कुछ कर सके उससे पहले कायोटी जॉम्बी क्वीन का कटा सिर बैग से बाहर निकालती है। कायोटी ने क्वीन के सिर को गन पॉइंट पर रखा था।
अब मल्लिन ने भी हेलीकॉप्टर ठीक कर लिया था। कायोटी स्कॉट से कहती है कि तुम और मल्लिन यहाँ से चले जाओ, मेरी चिंता मत करो, मैं क्वीन के सिर के जरिए बाहर आ जाऊंगी। अब कायोटी की बात मानकर मल्लिन और स्कॉट हेलीकॉप्टर लेकर वहाँ से निकलने की तैयारी करते है। कायोटी भी स्कॉट और मल्लिन की ओर देख रही थी। उसी वक्त किंग जॉम्बी एक नुकीली लोहे की रॉड सीधा कायोटी की ओर फेंकता है। वो रॉड कायोटी के शरीर को चीरकर आर पार हो चुकी थी, पर अभी क्वीन का सिर उसने शक्ति से पकड़ रखा था। कायोटी जानती थी कि वो अब नहीं बच पाएगी, तो वो क्वीन के सिर को बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है, जिससे क्वीन के सिर के चिथड़े उठ जाते। कायोटी भी यहाँ पर मर चुकी थी। हेलीकॉप्टर में मल्लिन भी स्कॉट को पूछती है कि हमारे बाकी टीम कहाँ पर है, तो स्कॉट कहता है कि पूरी टीम खत्म हो चुकी है, सिर्फ हम लोग ही बच पाए हैं। दूसरी ओर कैट को दिखाया गया है, वो ओलंपस बिल्डिंग में थी। यहाँ उसे अपनी फ्रेंड गीता मिलती है। गीता कैट से कहती है कि किंग ने बाकी दो लड़कियों को भी इन्फेक्टेड कर दिया है। मल्लिन और स्कॉट भी ओलंपस बिल्डिंग पर आ गए थे। स्कॉट अपनी बेटी कैट को वहां पर बचाने के लिए आया था। वही बिल्डिंग में किंग जॉम्बी ने कैट और गीता को देख लिया था और वो उनकी ओर आगे बढ़ रहा था, पर तभी वहां पर स्कॉट आ जाता है और वो किंग पर हमला करता है, जिससे वहां पर बड़ा धमाका होता है। धमाके के बाद उन्हें किंग कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा था, तो स्कॉट गीता और कैट को लेकर हेलीकॉप्टर के पास आता है, पर वो किंग जॉम्बी भी वहां पर आ गया था। वो सब हेलीकॉप्टर से वहां से जाने ही वाले थे, पर तभी किंग जंप लगाकर सीधा उस हेलीकॉप्टर में आ जाता है। यहाँ स्कॉट किंग से मुकाबला करता है और उस पर गोली भी चलाता है। उस दौरान एक गोली मल्लिन को भी लगती है, जिससे हेलीकॉप्टर भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, पर फिर भी मल्लिन ने हेलीकॉप्टर को वेगास के क्वारंटाइन जोन से बाहर कर लिया था। वो न्यूक्लियर मिसाइल भी वेगास की ओर आगे बढ़ रही थी। वेल, उस मिसाइल ने इंफेक्टेड लास वेगास को कंप्लीट डिस्ट्रॉय कर दिया था। पर हेलीकॉप्टर में किंग जॉम्बी से मुकाबला करते वक्त किंग स्कॉट को काट लेता है। अब स्कॉट के पास भी ज्यादा वक्त नहीं बचा था, पर स्कॉट गन से सीधा निशाना किंग के सिर पर लगाता है, जिससे किंग का सिर फट जाता है। आखिर यहाँ किंग जॉम्बी भी मर चुका था। वही हेलीकॉप्टर भी आउट ऑफ कंट्रोल होकर नीचे गिरता है। वेल, यहाँ पर कैट बच गई थी, पर हेलीकॉप्टर की पायलट मल्लिन मर चुकी थी। कैट की बेस्ट फ्रेंड गीता भी इस हादसे में मर चुकी थी। यहाँ पर स्कॉट भी था और वो बिल्कुल ठीक था। वो कैट से कहता है कि मुझे माफ करना, तुम्हारी मॉम को मारना मेरी मजबूरी थी। स्कॉट कैट को वो पैसे देता है जो उसने वॉल्ट से लिए थे, पर अब वो भी जल्द ही इन्फेक्टेड होने वाला था। स्कॉट कैट से कहता है कि मुझे किंग ने काट लिया है और मैं भी थोड़ी देर में एक जॉम्बी बन जाऊंगा, तो तुम मुझे खत्म कर दो। आखिर यहाँ स्कॉट भी जॉम्बी बनने लगा था और ना चाहते हुए भी कैट स्कॉट के सिर में गोली चलाकर उसे खत्म कर देती है। वही नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि वेगास के क्वारंटाइन जोन पर मिसाइल अटैक के बाद भी जैक बच गया था। वो वॉल्ट के पैसे लेकर बाहर आ गया था और यहाँ से कार लेकर वो सीधा एयरपोर्ट पर आता है। जैक यहाँ से निकलना चाहता था, वो वहाँ पैसे देकर प्राइवेट फ्लाइट से निकल चुका था। प्लेन में वो वाइन पीता है, पर उसे वहाँ पर अजीब महसूस होता है, तो जैक प्लेन के वॉशरूम में आता है। वो अपने शरीर पर हुए जख्म देख रहा था, या वो देखता है कि उसे एक जॉम्बी ने काट लिया था और इन्फेक्शन की असर उस पर होने लगी थी। निशान देखकर जैक हंसने लगता है, क्योंकि उसे भी पता था कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, और बस इसी ट्विस्टेड एंडिंग के साथ आर्मी ऑफ द डेड मूवी खत्म हो जाती है। ईयर 2021 में रिलीज हुई आर्मी ऑफ द डेड मूवी को आईएमडीबी पर 7.5 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटो पर इसे 75% एंड ऑडियंस स्कोर 79% मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।